Good morning, students of class 5. Today we start chapter 2, Roman numerals. तो बहुत दिन बाद आप लोग का आज वीडियो आ रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो अब आप लोग का वीडियो क्या कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है, हफ्ता में दो दिन, ठीक है। तो इसको आप लोग, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं रोमन न्यूमरल्स, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रोमन न्यूमरल्स क्या होता है। ऐसे हम बात करते हैं वन, तो वन को हम लोग इसका हिंदू अरबिक न्यूमरल्स देखेंगे, तो वन को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग वन ही लिख देते हैं ऐसे करके वन, ठीक है। लेकिन हम लोग फाइव को इस प्रकार से लिखते हैं, फाइव को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग। फिर देखते हैं टेन को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, टेन को हम लोग इस प्रकार से क्रॉस, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फिफ्टी को हम लोग लिखते हैं एल, क्या लिखते हैं हम लोग एल, ठीक है। उसके लिखते हैं हम लोग हंड्रेड को क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं सी, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम लोग 500 की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं डी। और उसके बाद आता है आपका 1000, इसको हम लोग बोलते हैं एम, ठीक है। तो यही टेबल आपको याद रखना है, वन को तो वन बोलते हैं, फाइव को हम लोग वी बोलते हैं, टेन को हम लोग एक्स बोल सकते हैं, ठीक है, और फिफ्टी को हम लोग एल बोलते हैं, हंड्रेड को हम लोग सी बोलते हैं, 500 को हम लोग डी बोलते हैं, और 1000 को हम लोग एम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमको लिखना है फोर, हमको क्या लिखना है, फोर लिखना है, समझते हैं। तो फोर तो यहाँ पे है नहीं, तो क्या करेंगे, देखिए पहले लिख लेते हैं फाइव और पीछे में वन, तो फाइव माइनस वन फोर हो गया आपका, इस प्रकार सोचिए, पीछे वाला समझिए माइनस होगा। हमको लिखना है सेवन, तो फाइव सिक्स सेवन, इस प्रकार से लिख लेंगे सेवन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए कैसे करना है, अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो ये देखिए आपका एक्सरसाइज है आपका, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, ए नंबर स्टार्ट करते हैं, राइट द फॉलोइंग एज रोमन न्यूमरल्स, इसको रोमन में लिखना है मुझको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, एक नंबर देख लेते हैं, 75, क्या लिखा हुआ है, 75 लिखा हुआ है। तो 75 कैसे बनाएंगे आप खुद सोचिए, यहां से 75 के लिए सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको, 50, तो L ले लिए पहले, इसको हम लोग क्या लिखे, L, 50 हो गया आपका 50, और लेंगे 10 तो क्या 60 हो गया, और लिए 10 तो 70 हो गया, और बचा 5, तो 5 को लिख दिए भी, तो ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं हम लोग, जैसे आप लोग की तरह के ऐसे हम 9 नंबर देख लेते हैं, 1038, ठीक है, 9 नंबर देख लेते हैं हम लोग, 9 नंबर क्या लिखा हुआ है, 1038, देखिए। तो ये पहले 1000 हो गया ना पहले आपका, तो 1000 को बोलते हैं एम, तो पहले हम लोग क्या किए, एम लिख लिए, ठीक है। उसके बाद आपका 38, तो 38 में तो ध्यान देंगे हम लोग, अगर एक्स लिखे तो 10 हो गया, ठीक है, और हम लोग फिर से अगर एक्स लिखे तो क्या हो गया, और 10 हो गया, फिर लिखे एक्स तो 30 हो गया, यानी क्या 1030 आ गया। अब बच गया 8 कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले के लिए 5 6 7 8, इस प्रकार से हम लोग इसे खत्म कर दिए। कोई दिक्कत देखिए आपके यहाँ तक, तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, ए नंबर जो है आप लोग देख लीजिए, इस ए नंबर को पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं बी नंबर, क्या शुरू करते हैं हम लोग, बी नंबर देखते हैं। अब देखिए आपको हम सबसे समझा रहे हैं, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। बी नंबर में क्या लिखना है मुझको देख लीजिए आप लोग, बी नंबर मुझको हिंदू अरबिक नंबर लिखना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्या लिखा हुआ इसका, एक नंबर L और 111 है आपका, देखिए अभी बताए L मतलब क्या होता है, 50, तो 50 हो गया, और ये वहाँ 1 2 3, यानी कितना हो गया, 53 हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, हम इसे देखते हैं, हम लोग देखते हैं, चलिए हम 9 नंबर ही देख लेते हैं, कोई बात नहीं 9 नंबर देख लेते हैं आपका। तो 9 नंबर क्या लिखा है देख लीजिए, एम डी, ठीक है, डबल एक्स भी। अब देखिए एम से क्या हो गया, एम से हो गया मेरा 1000, एम से हो गया मेरा 1000, डी से हो गया मेरा 500, यानी क्या 1000 और 500, डेढ़ हो गया आपका। ये हम लोग ऐसे लिखते चलते हैं, 1000 हो गया, फिर 500 हो गया, दो को एक्स में कितना हो गया 20, और ये 5, यानी कितना हो गया 1000, तो 1525, कितना हो गया 1525, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत देख लीजिए यहाँ तक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बी नंबर पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं सी नंबर में, सर्कल द इनकरेक्ट रोमन न्यूमरल्स, जो आपका इनकरेक्ट है, गलत है। यहाँ पे देखिए कैसे गलत है, पहले हुआ एक्स मतलब 10,
ये भी एक्स मतलब दस, एक्स मतलब दस। फिर एल, अब देखिए एल मतलब क्या होता है, पचास। क्या दस और पचास में थोड़ा ध्यान समझिए, पचास तो बड़ा है तो क्या पीछे हो सकता है, उसको आगे होना होगा, तो ये गलत है। ये देखिए ये आपका ठीक है, यहाँ देखिए सी 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 ये भी सही है, लेकिन यहाँ देखिए एम मतलब थाउजेंड, डी मतलब फाइव, लिखे ना डी मतलब क्या लिखे थे, 500। तो पहले थाउजेंड फिर 500, पहले थाउजेंड फिर आपका 500, अब क्या फिर थाउजेंड हो सकता है, गलत हो गया। क्यों, अगर इसको सही लिखना है तो कैसे लिखेंगे हमें, देखिए पहले हम लिख लेंगे थाउजेंड, फिर लिखेंगे थाउजेंड, फिर लिखते अगर 500, तो ये भी गलत है। इस प्रकार से आपको पहचानना है कौन कौन गलत है, ठीक है। अब आते हैं डी नंबर में, हम लोग देख लेते हैं, कंपेयर द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स एंड यूज, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें इस प्रकार के एरो है आपके पास, मतलब समझ ही गए होंगे कौन बड़ा है उधर की तरफ चिन्ह लगाना है, और जो बराबर होगा वहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे आपका। तो ये पूरा पार्ट जो है आपका टू पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा आपका होमवर्क है, इस पूरे को आप लोग कर लीजिएगा, और इसका आप लोग आंसर भी हम दिखा देते हैं ताकि लोग करने में आपको सुविधा हो। देख लीजिए, और आंसर पहले छापिएगा मत, पहले कर लीजिएगा फिर मिला लीजिएगा। देखिए आंसर सबसे पहले दोनों यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो इस जगह से एक का है 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग 7 8 9 10, ये पूरा आपका होमवर्क है, यहाँ तक आपका, यहाँ तक आंसर है आपका, ठीक है। देख लीजिए, तो पूरा होमवर्क आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा जल्द से जल्द, आज या कल या परसों, दो तीन दिन के अंदर होमवर्क को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा क्लास 5, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं।